वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं वर्कशीट नंबर 38 जो कि है 30th of September की। इस वर्कशीट में हम पहले मैथ की वर्कशीट देखेंगे, फिर देखेंगे साइंस की। मैथ की वर्कशीट के अंदर हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला जो यूज होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए। आज की वर्कशीट में हम देखने वाले हैं उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। आइए चलते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये अम्ब्रेला दे रखा है, 10 इक्वल ट्राइंगल्स का है, ठीक है, ऑफ टू डिफरेंट कलर्स। आपके सामने कलर दिखाई दे रहे हैं। आप तो कह रहे होंगे सर ये तो पांच है, पांच देखो बेटा पीछे की तरफ भी है, उनको मत भूल जाओ। तो पांच सामने है, पांच पीछे है, तभी तो पूरा अम्ब्रेला बंद होगा वरना भीग जाओगे आप पानी में। ईच पीस इज मेजर्ड एट 20, 50, 50, ठीक है। ये वाली जो साइड है ये भी 50 है। तो हाउ मच क्लॉथ इज रिक्वायर्ड फॉर द अम्ब्रेला, तो कितना कपड़ा चाहिए। तो कपड़ा चाहिए तो इसका मतलब हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। 20, 50, 50 दे रखा है तो इसका मतलब हमें हीरोन्स फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। पहले हम एक ट्राइंगल का एरिया निकाल लेंगे और उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे देखेंगे आप, इन्होंने पहले एस निकाला है और ये 60 आ गया, फिर उन्होंने एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला यूज करा और फिर हमने इसको सॉल्व करने के बाद ये एक ट्राइंगल का एरिया आ गया 200√6 cm². ओके, अब इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर आ गया 2006√6 cm². तो उम्मीद करता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू की तरफ। एग्जांपल नंबर टू, अ ट्राइंगल बोर्ड हैव डायमेंशन 5, 12, 13। 5, 12, 13 दे रखी है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग एट द रेट ऑफ 30 rupees per m². ओके, तो पहले हमें पहले एरिया निकालना पड़ेगा। एरिया निकालने के लिए हमने पहले एस निकाला, ये आया 15, ठीक है। उसके बाद ये फॉर्मूला निकाला तो 30 cm² आपका आंसर आ गया। उसको 30 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 900 rupees इसका आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। वर्किंग के लिए अभी हम चलते हैं सीधा बोर्ड की तरफ ताकि हम इसकी वर्किंग आपको दिखा सकें कि किस तरीके से आपको प्रॉपर तरीके से वर्किंग करनी है। और अगर डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछें, और अगर पसंद आ रही हो वीडियो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। और अब हम आगे चलते हैं अपने बोर्ड की तरफ, क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आपको पता होगा आइसोसेलेस ट्राइंगल किसे कहते हैं। आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है जिसकी दो साइड जो है वो इक्वल होती हैं। तो उसके जो दो साइड्स इक्वल हैं वो है 15 cm, तो ये भी 15 हो गई और ये भी 15 हो गई। और इसकी जो तीसरी साइड है वो है 12 cm, तो इसका एरिया निकालना है। अगर आपको याद हो पिछली लास्ट लास्ट वर्कशीट मैथ की, उसके अंदर हमने इसको करा था, इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करके उस तरीके से करा था। आज हम देखने वाले हैं जब हीरोन्स फॉर्मूला से किस तरीके से करेंगे। तो इसका हमारा जो सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है एस निकालना, मतलब ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू। ये हमने लास्ट वर्कशीट में देखा था कि इसका फॉर्मूला कैसे आया, ये सेमी पेरीमीटर। तो ए क्या है हमारा, 15 + 15 + 12 / 2, तो इसका मतलब हो गया 30 30, और ये हो गया 42/2, इसका मतलब हो गया 21 cm हमारा एस आ गया। अब इसके बाद हमें निकालना है एरिया। एरिया का जो फॉर्मूला था वो था एस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। बहुत ही इजी फॉर्मूला है। अब हम इसको जो है पुट कर देंगे वैल्यूज़ को, रूट बना देते हैं। एस क्या है, 21। मैंने आपको पिछले वर्कशीट में बताया था, हिंट होता है कि एस जो है इन तीनों से बड़ा होता है। ओके, ये हो गया 21 × s - a, मैं सीधा ही कर रहा हूँ, 21 - 15, 5 और 1 6, तो ये भी 6 होगा। और 21 - 12, 8 और 1 9। अब मैंने इसके बाद आपको बोला था कुछ बच्चे क्या करते हैं इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई मत करो, प्राइम फैक्टराइजेशन करो। प्राइम फैक्टराइजेशन का लिंक मैं आपको फिर दोबारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, लास्ट वर्कशीट में भी दिया था। ये है 3 × 7, ओके, 3 × 7 21 होता है, दोनों ही प्राइम नंबर हैं, अलग रंग से कर रहा हूँ मैं। 6 का क्या करूँगा, 2 × 3, और इस वाले 6 का क्या करूँगा ताकि आपको साफ साफ दिखाई दे, मैं इसलिए अलग अलग कर रहा हूँ, 2 × 3, ठीक है। और इसके बाद मैं कर लेता हूँ इस 9 का, 9 का होगा 3 × 3,
ठीक है, ये मैंने सारे के सारे कर दिए, और मेरे पास कलर पेन नहीं है तो मैं ब्लैक से ही कर लेता हूँ। अब आप इसके अंदर से कॉमन देखेंगे, ये तीन और तीन आ गया, ये तीन और तीन आ गया, ये दो और दो आ गया, और ये दोनों एज इट इज़ बच गए। पेयरिंग करनी होती है। अब जो जो पेयर हो गए, दो और दो एक बार आया, ठीक है, तीन और तीन एक बार आया, और ये वाला तीन भी एक बार आया, और रूट के अंदर क्या बच गया, तीन और सात बच गया। ओके, मल्टीप्लाई कर देंगे, तीन इंटू तीन नौ, नौ दूनी अठारह, अठारह रूट इक्कीस सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका आंसर हो गया, अठारह रूट इक्कीस सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आगे हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर टू, दो ही क्वेश्चन है इसके अंदर। इन्होंने बोला था देर इज अ स्लाइड, स्लाइड का मतलब हो गया कोई खेलने वाली जो स्लाइड नहीं होती वो है, बच्चे यहाँ से चढ़ेंगे और यहाँ से नीचे स्लाइड करेंगे, ठीक है, पेंटेड विद द कलर, और उन वहाँ पे एक मैसेज लिखा हुआ है कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, आपको दिखाई दे रहा होगा। और उन्होंने बोला स्लाइड की जो साइड दे रखी थी, वॉल दे रखी थी, वो थी 15, 11 और 6, उसका एरिया निकालो। तो ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, आइए चलते हैं देख लेते हैं इसको ए बी सी में पुट कर कर। ओके, तो पहले एस निकालेंगे, ए क्या है 11, बी क्या है 6 और सी क्या है 15। आप कैसे भी ले सकते हैं, ए बी सी ऐसे भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हम डिवाइड बाय टू कर देंगे, आ जाएगा 10, 10 20, ये हो गया 32। ओके, 32 डिवाइडेड बाय टू मतलब हो गया 16 मीटर। देख रहे हैं इनसे बड़ा है, तो बड़ा होना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आगे हम चलते हैं, इसके अंदर वैल्यूज पुट कर देते हैं। यहाँ पर मैं डायरेक्टली माइनस करूँगा, ये हो गया 16 मल्टीप्लाई 16 माइनस ए, ये हो गया कितना 5, 16 माइनस बी मतलब 10, और 16 माइनस सी मतलब हो गया 1। तो इसको ही मैं प्राइम फैक्टराइज भी कर दूंगा, आइए चलते हैं प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं। ओके, पहले मैं 16 का कर रहा हूँ, 16 का हो गया 2, फिर 8 आएगा, फिर 2, फिर 4 आएगा, फिर 2, फिर 2, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, ठीक है, 5 का तो 5 आएगा, और 10 का आ जाएगा 2 इंटू 5, और 1 का लिखो या ना लिखो फ़र्क नहीं पड़ता। अब मैं क्या करूँगा, इसमें से पेयर बनाऊँगा, 2 और 2 पेयर बन गया, 2 और 2 पेयर बन गया, 5 और 5 पेयर बन गया, ये अकेला रह गया, दो अकेला रह गया, जो अकेला रह गया उसको अंदर ही रखे रहने दो, जो पेयर में आ रहा है उसको एक बार बाहर ले जाओ, ठीक है, ये दो एक बार, ये दो एक बार, ये पांच एक बार, और ये आया रूट दो, रूट दो होगा। तो 5 टू द 10, 10 टू द 2, 20 रूट 2। अब ये आंसर मीटर में था, मीटर स्क्वायर इसका आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और अगर कोई डाउट हो थोड़ा सा भी तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं, और अगर पसंद आई हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि पसंद आया है, क्या पसंद आया है इसके अंदर, और आगे लाइक करें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी बहुत सारी और वीडियोज़ और कॉन्सेप्ट रिलेटेड बनती रहती हैं, और आगे फॉरवर्ड करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे साइंस की वर्कशीट। साइंस की वर्कशीट के अंदर हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ओके, फोर्स, आई हैव ऑब्जर्व दैट व्हेनेवर आई पुल और पुश अ टॉय इट स्टार्ट मूविंग। कभी आपने देखा है कि आपने कोई चीज आगे धक्का मारी है, तो आगे आगे धक्का मारने का मतलब होता है पुश, और अपनी तरफ खींचने का मतलब होता है पुल, ये याद रखना। आप कभी दुकान पे जाते हैं किसी, तो उसमें दरवाजे के ऊपर पुल और पुश लिखा होता है, तो उसको थोड़ा ध्यान से पढ़ लिया करें। ये सर्वे में पाया गया है कि बहुत सारे लोग उसको ढंग से पढ़ नहीं पाते और गलत डायरेक्शन में दरवाजा खोलते हैं। ओके, वो तो एक अलग बात हो गई। पुश का मतलब हो गया धक्का मारना, पुल का मतलब हो गया खींचना, बस इसको थोड़ा सा ध्यान रखें, इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है कई बार। डू वी ऑलवेज नीड टू अप्लाई फोर्स टू मेक एनीथिंग मूव? Yes, एक सिंपल आंसर बोला जाए तो yes। अगर किसी चीज को मूव कराना है, धक्का कराना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, आपको उसके ऊपर फोर्स लगानी पड़ेगी। यहाँ पे साइड में आपको कुछ इमेजेस दिखाई दे रही होंगी,
तो ये बंदा जो है वो धक्का लगा रहे हैं। अब समझ नहीं आ रहा मुझे कौन किस तरफ धक्का लगा रहा है। अगर दोनों ए की तरफ धक्का लगा रहे हैं तो मूव होगा, अगर दोनों ऑपोजिट तरफ धक्का लगा रहे हैं तो मूव नहीं हो पाएगा। सोचो किस बात पे नहीं हो पाएगा, तब तक हम आगे पढ़ते हैं, फिर एट द एंड आपको इसका आंसर भी मिल जाएगा। यस ज्ञान, बहुत ही पढ़े लिखे बच्चे हैं ये दोनों। इनफैक्ट वी ऑलवेज नीड टू अप्लाई फोर्स टू मेक एनीथिंग मूव, टू स्टॉप और चेंज इट्स डायरेक्शन। अच्छा, चेंज इट्स डायरेक्शन से मुझे याद आया, आईपीएल का मैच तो बहुत बढ़िया जा रहा है यार। कैसा लग रहा है आपको आईपीएल के मैच जब से स्टार्ट हुए हैं? तो उसके अंदर क्या करता है, बॉल आती है ना, तो बॉल जैसे ही आती है मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसे यहां से किसी ने बॉल फेंकी ऐसे, ठीक है, अब क्रिकेटर ने उसकी शॉट मारी इस तरफ, तो आपने बॉल को क्या कर दिया, डायरेक्शन चेंज कर दी ना फोर्स लगाकर, उसे ही कहते हैं चेंज इन डायरेक्शन। उम्मीद करता हूँ आपको चेंज इन डायरेक्शन समझ में आएगा, कभी भूलेंगे नहीं। जब भी आप देखेंगे ना क्रिकेट मैच, तो आपको पता चलेगा कि उसमें चेंज इन डायरेक्शन कैसे हो रही है, फोर्स की मदद से हो रही है। और वो वाला होता है ना जो टॉप कट मारते हैं, तो बॉल यहाँ से आ रही है और पीछे की तरफ ही मार देते हैं, तो बॉल बहुत तेजी से जाती है, या वे पुल मार देते हैं पीछे की तरफ इस तरफ, तो बॉल बहुत तेजी से जाती है, क्योंकि जो बॉल की जो स्पीड होती है, जो उसके अंदर फोर्स होती है, और आपने जो बैट की स्पीड लगाई, वो दोनों ऐड हो जाती है। ओके, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें, बॉल अगर यहां से इस डायरेक्शन में आ रही है और आपको सीधा मारना हो, मुश्किल होती है नहीं होती? कमेंट सेक्शन में बताओ क्रिकेट खेलने वाले बच्चों, जो अगर आप बॉल को सीधा मारना, स्ट्रेट मारना, तभी तो जब एक क्रिकेट ग्राउंड होता है उसमें सीधा मारना बहुत ही ज्यादा मुश्किल रहता है। अच्छा भी होता है वैसे खेलना सीधा, बट मुश्किल बहुत होता है। वो क्यों होता है, क्योंकि आप बॉल इस डायरेक्शन में आ रही है, सपोज करो 10 न्यूटन की स्पीड से या 10 न्यूटन की फोर्स से, आपने इधर मारा तो 100 के मारा, तो क्या हो गया, माइनस हो जाएगा, उल्टा कर रहे हो, तो 90 का फोर्स से बॉल उधर जा रही है। अगर वो पीछे मार दे, घुमा के बैट पीछे मार दे, तो 10 + 100 तो कितना हो जाएगा, 110 का हो जाएगा ना, इसलिए पीछे मारने में ज्यादा आसानी रहती है। अब समझ में आएगा मैथ और साइंस क्रिकेट की, तो चलो कोई बात नहीं, इससे तो आप खेलते खेलते सीख जाएंगे, फोर्थ चैप्टर है ही इतना आसान। आगे बढ़ते हैं। लाइक टू चेंज द शेप ऑफ अ रबर बैंड, अगर मुझे किसी चीज की शेप चेंज करनी है, नीड द डॉ मतलब जो आटा गूंथते हैं ना उसको, पुश अ ट्रॉली, स्टॉप अ मूविंग कार, अगर सामने जाके खड़े मत हो जाना, ठीक है, यहाँ पे स्टॉप अ मूविंग कार का मतलब है ब्रेक लगाने से है, ठीक है, तो ज्यादा हीरो बन के सामने खड़े मत हो जाना, पता चले ऊपर ही चढ़ जाए, बाय अप्लाइंग ब्रेक्स। ओके, बट मेनी टाइम्स इवन ऑन अप्लाइंग फोर्स द ऑब्जेक्ट डज नॉट मूव, ऐसा होता है कभी आप फोर्स लगाओ और वो मूव ना हो? सोचो कहाँ पे होता है, मैं एक एग्जांपल आपको बताऊंगा कमेंट सेक्शन में, मैं देखना चाहता हूँ आपका दिमाग कहाँ चलता है, कि आपका आपने फोर्स तो लगाई एक ऑब्जेक्ट पे बट वो मूव नहीं हुआ। आपको एग्जांपल देता हूँ, एक एग्जांपल, जैसे मैंने अगर धक्का मारा बेड को तो मूव हो जाता है, और मैंने फोन को उठाया, उठाने को क्या कहेंगे, पुल करा, ओके, फोन को उठाया तो वो मूव हो गया, नहीं हो गया, एक जगह से दूसरी जगह हिल गया, बट ऐसा कब होता है, जब वो हिले नहीं। आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ टू पर्सन पुशेज अ हैवी टेबल ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑपोजिट डायरेक्शन, जैसे कि ये दोनों बंदे क्या कर रहे हैं, धक्का मार रहे हैं, ये बंदा इधर की तरफ धक्का मार रहा है और ये बंदा इस तरफ के धक्का मार रहा है, तो दोनों क्या कर रहे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में धक्का मार रहे हैं, तो वो मूव नहीं करेगा। या पुलिंग अ रोप, टग ऑफ वॉर खेली है ना कभी, तो दोनों की दोनों टीम ऑपोजिट डायरेक्शन में धक्का मार रही होती है, तो इस वजह से वो मूव नहीं करती। आगे चलते हैं। वी फाइंड दैट द टेबल ऑफ रोप डज नॉट मूव व्हेन टू पर्संस पुश द हैवी टेबल विद इक्वल फोर्स फ्रॉम ऑपोजिट डायरेक्शन, देयर फोर्सेस गेट बैलेंस। ओके, तो फोर्स क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। क्यों, जब बराबर हो, इन्होंने भी 300 मारी, इन्होंने भी 300 मारी, ठीक है, तो जीरो हो गई, तो मूव ही नहीं करेगा वो। इसे कहते हैं बैलेंस्ड फोर्स। क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड फोर्स। इसको ध्यान से समझें,
बैलेंस्ड फोर्स कब होती है? जब दोनों डायरेक्शन से, राइट की डायरेक्शन और लेफ्ट की डायरेक्शन से इक्वल फोर्स लगे और ऑब्जेक्ट मूव नहीं होता, तो उसकी नेट फोर्स कितनी होती है? जीरो। लेकिन मूव कब होता है? यहां देखें, ये वाली टीम क्या कर रही है, 400 लगा रही है और ये वाली टीम 300 लगा रही है, तो ये वाली टीम जीत जाएगी ना, क्योंकि मूवमेंट किस तरफ होगी? इसी तरफ होगी, ओके, लेफ्ट की तरफ होगी। तो इस टाइप के जो फोर्स होता है इसे कहते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स। तो इससे आपको एक चीज समझ में आ गई होगी, उम्मीद करता हूं, कि मूवमेंट कब होती है? जब फोर्स जो है अनबैलेंस्ड हो, ओके। मूवमेंट कब होती है? जब अनबैलेंस्ड फोर्स हो। फिर दोबारा रिस्टेट कर दिया मैंने, अ फोर्स नेवर एक्ट्स अलोन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको लगता होगा कि आपने धक्का मारा, आप फोन उठाते हैं, सपोज करो फोन उठाया, आपको लगता है कि सर मैंने फोर्स कहाँ लगाई? बेटा फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही होती है। जब आप फोन उठा रहे होते हो तो फोन नीचे जाना चाहता है, छोड़ के देखो एक बार, पता चल जाएगा, फोन अपने आप नीचे चला जाएगा। तो आप बताओ मुझे कौन खींच रहा है उसे? कौन खींच रहा है? ग्रेविटी सी खींच रही है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स उसको अपनी तरफ खींच रही होती है फोन को। आप फोन को ग्रेविटी से दूर लेके जा रहे होते हो, इसलिए वहां पे आपके हाथ से फोर्स लगती है, ओके। फोर्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर, कभी भी फोर्स जो है ना अकेली नहीं लगती। आप अगर राइट की तरफ फोर्स लगा रहे होगे तो फ्रिक्शन नीचे से लेफ्ट की तरफ फोर्स लगा रही होगी। आप बोलोगे सर फ्रिक्शन कहां से आ गई? बेटा जब आप गाड़ी चलाते हो ऐसा नहीं होता कि स्मूथली चल रही होती है, नीचे जो रबड़ जो टायर है और नीचे जो जमीन है उनके बीच में फ्रिक्शनल फोर्स लगती है। तो फ्रिक्शनल फोर्स अगर आप इधर जा रहे हैं, राइट की तरफ जा रहे हैं, ओके, अगर आप राइट की तरफ जा रहे हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स लेफ्ट की तरफ जाती है, तो ये हमेशा लगता है। आप क्या करेंगे, फोन ऊपर की तरफ उठाएंगे तो ग्रेविटी उसको नीचे की तरफ खींचती है। ये तो एक कहते हैं कुदरत का नियम है, ऑपोजिट डायरेक्शन में तो फोर्स लगेगी ही लगेगी, तभी तो स्पेस में जाके कम हो जाती है, तभी तो वहां पे थोड़ा सा उड़ पाते हैं, ओके। आगे पढ़ते हैं, आगे दे रखा है द पेयर ऑफ फोर्स एक्ट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ये मैंने अभी बता दिया है, कुदरत का नियम है ये। व्हेनेवर वन ऑफ द फोर्स इज ग्रेटर देन द अदर देयर इज अ मोशन। अगर बराबर हो जाएगा तो वो बैलेंस हो जाएगा, तो जीरो हो जाएगा तो वो बैलेंस फोर्स हो जाएगा, तो उसमें कोई मोशन होगा ही नहीं। अभी क्या हो रहा, अगर ज्यादा होगा तो ही तो उस तरफ मोशन आएगा, ठीक है, अनबैलेंस्ड होना चाहिए। फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन, ये हमने पढ़ लिया। अगर गाड़ी जा रही है राइट, फ्रिक्शनल फोर्स जाएगी लेफ्ट, अगर गाड़ी जा रही है ऊपर तो फ्रिक्शनल फोर्स जाएगी नीचे। बात सारी की सारी सिंपल है, ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है। टू मूव एन ऑब्जेक्ट द अप्लाइड फोर्स मस्ट बी अनबैलेंस्ड इज फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है, अनबैलेंस होना चाहिए, मतलब ज्यादा होना चाहिए, वरना तो मूवमेंट होगी ही नहीं। टू एक्सेलरेट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एन अनबैलेंस्ड फोर्स इज रिक्वायर्ड। फिर दोबारा सेम बातें कर रहा है, एन अनबैलेंस्ड फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट ब्रिंग्स एन ऑब्जेक्ट इन इट्स मोशन, ठीक है, अनबैलेंस्ड फोर्स क्या करता है, उसको मोशन में ले आता है। आइए चलते हैं इसके बेसिस पे क्वेश्चन कर लेते हैं। व्हाट अफेक्ट कैन बी प्रोड्यूस बाय द फोर्स, गिव एग्जांपल। तो स्टार्टिंग में ही है, वी ऑलवेज नीड टू अप्लाई फोर्स टू मेक चेंजेस, ठीक है ना, स्टॉप, ये सारे के सारे क्या है, अफेक्ट्स, चेंज इन डायरेक्शन, चेंज इन शेप, और एग्जांपल इन्होंने दे रखे थे, तो एग्जांपल्स आप यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका आंसर नंबर वन, ओके। अब आगे चलते हैं आंसर नंबर टू की तरफ। आंसर नंबर टू बोला था उसने, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, तो यहाँ पे साफ साफ दे रखा है डायरेक्शन उसकी क्या है, ऑपोजिट, ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। आंसर नंबर टू हो गया ये। आंसर नंबर थ्री, इज इट रियली नेसेसरी टू अप्लाई फोर्स टू मेक अ बॉडी टू मूव, आप बताओ, इतनी बार तो हमने डिस्कस कर ही लिया, तो इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, इज इट की जगह यस, ओके, यस इट इज रियली नेसेसरी टू अप्लाई फोर्स टू मेक अ बॉडी मूव, यहां तक ठीक है, ऊपर लिख देंगे यस yes, और ये लिख देंगे। उसके बाद थिंक एंड राइट योर आंसर, तो राइट के लिए हम एक दो पॉइंट और लिख सकते हैं, ये वाला पॉइंट लिख देंगे, मूव फिर ये टू मूव एन ऑब्जेक्ट अप्लाइड फोर्स मस्ट अनबैलेंस
इट्स फ्रिक्शनल फोर्स। तो ये वाला पॉइंट लिख देंगे और ये लास्ट वाला पॉइंट भी लिख सकते हैं। तो ये आंसर नंबर थ्री हो गया। अब आंसर नंबर फोर की तरफ चलते हैं। बॉल रोल डाउन ऑन अ फ्लोर, ठीक है, एक बॉल है जो फ्लोर पे रोल डाउन हो रही है, एंड अनदर ऑन अ कार्पेट एट द सेम टाइम, विच बॉल विल कम टू रेस्ट। रेस्ट का मतलब होता है रुकेगी कौन सी। देखो एक बॉल जो है वो एकदम चिकने वाले फ्लोर पे रोल कर रही है, और एक जो है वो कारपेट पे है। कारपेट कैसा होता है, खुरदुरा सा होता है, आप खुद करके देखें इस एक्टिविटी को। तो कौन सी बॉल पहले रुक जाएगी, मेरे को लगता है कि कारपेट वाली बॉल पहले रुक जाएगी। अब उन्होंने बोला गिव रीजन, तो हम आंसर कैसे लिखेंगे। द बॉल, मैं इसको टाइप ही कर देता हूं आपके लिए, हम यहां पे लिख देंगे वन सेकेंड, ओके, द बॉल ऑन द कारपेट विल कम टू रेस्ट फर्स्ट बिकॉज, क्यों रुकेगी, बिकॉज कारपेट प्रोड्यूस मोर फ्रिक्शनल फोर्स। ओके ओके, तो ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स वो लगाता है कारपेट, जितना ज्यादा खुरदुरा होगा ना उतना ही ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स लगेगी। आगे चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। इन द गिवन फिगर, ये वाली जो फिगर राइट में दिखाई दे रही है उसके बारे में बोल रहा है। व्हाट डज द टू एरोज रिप्रेजेंट विद रिस्पेक्ट टू फोर्स। देखो ए क्या बता रहा है कि बच्चे कहाँ लगा रहे हैं, तो ए का आंसर क्या हो जाएगा, ए का आंसर हो जाएगा फोर्स अप्लाइड बाय द स्टूडेंट्स, बाय द किड्स, बाय द टू किड्स। और बी क्या है आप बताओ, बी क्या दिखा रहा है। मैंने आपको क्या बोला था, एक मूवमेंट में दो फोर्सेस जरूर होती हैं, दूसरी फोर्स क्या हो सकती है, तो ग्रेविटेशनल होगी या तो फ्रिक्शनल फोर्स। बी बता रहा है फ्रिक्शनल फोर्स। तो ये हो गए आपके यहाँ पे वर्कशीट। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और आगे फॉरवर्ड करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।